नमस्कार, आज हम बात करेंगे गुड पेरेंटिंग टिप्स पर। आज हम देख रहे हैं अमूमन हमारे घरों में जो है छोटे बच्चे लगभग 5 साल 7 साल 8 साल के जो भी बच्चे हैं, लगभग 3 से 4 घंटे और कुछ घरों में हो सकता है ये टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, आज अपना जो समय है वो टीवी के आगे, यानी लगभग सभी बच्चे जो है वो कार्टून्स को प्रेफर कर रहे हैं, कार्टून्स के आगे लगभग 3-4 घंटे का समय दे रहे हैं। इसके बहुत बच्चे के ऊपर जो है कई तरीके के जो है दुष्परिणाम इसके सामने आ रहे हैं, बच्चे की हेल्थ को लेकर के, आईज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और भी कई तरीके की परेशानियां, दिमागी तौर पे कई इश्यूज आए हैं मेडिकल टर्म्स में सामने। लेकिन क्या इस बच्चा जो ये टीवी देख रहा है इसके लिए केवल बच्चा जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि बच्चे को तो यही नहीं मालूम होता कि कार्टून क्या होता है। हम खुद जो है उस बच्चे को टीवी के आगे कार्टून दिखाने के लिए बैठाते हैं, हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपनी कंफर्टनेस के लिए कि हम अपना कुछ ज़रूरी काम कर लें और बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, तो हम उन्हें टीवी के आगे बैठा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो ये सिचुएशन है इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार पेरेंट्स की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी एक कहीं ना कहीं बड़ी चूक कर गए। लेकिन मैं खुद और मेरी वाइफ, मेरा भी छोटा बच्चा है जो लगभग 4.5 साल का है, तो मैंने देखा कि वो भी काफ़ी समय जो है वो कार्टून में देने लगा था, और जैसे ही हम लोगों ने उसे कार्टून से हटाने की कोशिश की तो वो एकदम से वॉलेटाइल हो जाता है, बड़ा एग्रेशन में एकदम आ जाता है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरह से जो है हम अपने बच्चे को, उसका माइंड हम डाइवर्ट कर सकते हैं कार्टून से। बल्कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि कार्टून को वो अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जो उसके करेक्टर्स होते हैं उनकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर रेनू भारद्वाज ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करूं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी बच्चा जो कार्टून का हैबिचुअल हो गया या जो बहुत वॉलेटाइल हो रहा है हटाने पर, जो बहुत एग्रेशन में आ रहा है, उसको आप तुरंत एकदम से कार्टून से ना हटाएं। या जैसे हम लोग तुरंत टीवी बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, या फिर हम बच्चे को वी स्टार्ट स्कोल्डिंग देम वेरी हार्ड, तो उस सब चीज़ों से उन्होंने मुझे बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से उसके साथ पेश आएंगे वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा कार्टून से दूर हो जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप उसको किन अदर चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप ही जो है उसका कार्टून में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँ अपने बच्चे से, मैं उनसे स्कूल के बारे में पूछूं, उसकी हैबिट्स के बारे में पूछूं, उसके साथ थोड़ा खेल में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, या मैं उसको कहीं बाहर लेकर के जाऊं, मैं वॉक पर लेकर के जाऊं उसको, या मैं पार्क में लेकर के जाऊं। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चे को किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब उसका जो माइंड है वो कार्टून से डाइवर्ट होगा। और ये एकदम से हम करने की कोशिश ना करें, इसको हम लोग धीरे धीरे हम लोग इसको करने की कोशिश करें। हम लोग इसमें आउटडोर गेम्स में भी उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में भी हम लोग उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर और आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या करना वो चाहता है, तो उसी में उसको हम लोग इन्वॉल्व कर दें, उसी की क्लासेज हम उसकी स्टार्ट करा दें। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उसका खुद ही जो इंटरेस्ट है वो कार्टून से दूर होता चला जाएगा। मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और जो अभी इस कार्टून की हैबिट से अभी जो बहुत दूर हैं, कि वो अपने बच्चे को अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए कार्टून के सामने ना बैठाएं, क्योंकि ये आने वाले समय में एक बीमारी का रूप ले रही है। और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेकर के जाएं। इंडोर एक्टिविटीज़ में भी आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे चेस है, कैरम्स है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो मैं एक यही सजेशन अपनी तरफ से आप सबको देना चाहूँगा।